अब 6 लाख फॉलोवर्स के साथ दिनों दिन बढ़ता दर्शकों का ग्राफ। एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कारण सीहोर को पूरे विश्व में एक अलग पहचान मिल चुकी है, जहां एक छोटे से शहर के शिव भक्त पंडित प्रदीप मिश्रा अब लाखों शिव भक्तों की आस्था के केंद्र बनकर उभर रहे हैं। देखिए एमपी न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। पंडित प्रदीप मिश्रा की सिद्धि से सीहोर को मिली अलग पहचान। बेहद खास रहा पंडित प्रदीप मिश्रा का शिव भक्त से भागवत भूषण तक का सफर। छोटे से शहर से निकलकर देश और दुनिया में पंडित मिश्रा ने बनाई विशेष पहचान। धर्म के प्रचार प्रसार में पंडित प्रदीप मिश्रा निभा रहे बेहद खास भूमिका। लाखों शिव भक्तों की आस्था के केंद्र बनकर उभर रहे पंडित प्रदीप मिश्रा। धर्म के प्रचार प्रसार में सीहोर वाले महाराज यानी कि पंडित प्रदीप मिश्रा भी अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। सन 1980 में छोटे से जिले सीहोर में जन्मे पंडित प्रदीप मिश्रा बचपन से ही धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जहां समर्पित रहे, तो वहीं भगवान शिव के प्रति भी उनकी गहरी आस्था रही। और यही कारण रहा कि एक छोटे से शहर के शिव भक्त पंडित प्रदीप मिश्रा अब लाखों शिव भक्तों की आस्था के केंद्र बन चुके हैं। नगर वासियों से एक चीज और मांगना चाहूंगा, सीहोर इच्छावर आष्टा जावर, ये चार जगह से मुझे और एक चीज चाहिए कि मेरे सीहोर में एक दाग और लगा हुआ है, उसको थोड़ा सा धोना है। अगर मेरी आवाज पूरे सीहोर जिले में जा रही हो तो उस दाग को धोने का प्रयास करिएगा। जब होली होती है, होली जिस दिन जलती है उसके दूसरे दिन धुलेंडी होती है। जिस दिन दुनिया के लोग होली खेलते हैं, हम भी खेलते हैं। किसी के गमी वाले घर में चले जाते हैं, रंग डाल कर जाते हैं, उस दिन एकम की होली प्रथम दिन की होली होती है। एक दिन की होली होने के बाद पूरे भारत में होली बंद हो जाती है, पर मेरे सीहोर जिले में 5 दिन तक होली चलती है। क्यों? उसका कारण है कि होली के दूसरे दिन भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान नवाब साहब होली खेलने आते थे और वो एक जगह बैठ जाते थे और मेरे भाई होली का जश्न मनाते थे और वो पान खाया करते थे। मुझे उन नवाब साहब की होली नहीं खेलना है दूसरे दिन। मुझे अगर होली खेलना है दूसरे दिन तो ये मेरे बच्चों को मैं नहीं बता सकता कि यहाँ नवाब साहब होली खेलने आते थे इसलिए दूसरे दिन होली होती है, नवाब साहब आष्टा होली खेलने जाते थे इसलिए तीसरे दिन होली होती है, नवाब साहब जावर में होली खेलने जाते थे तो चौथे दिन होली होती है, नवाब साहब इछावर में होली खेलने जाते थे तो पांचवें दिन होली होती है। माँ, मैं सुनना चाहूंगा कि ये 5 दिन की होली मेरे देव अधिदेव महादेव की होती है। मुझे शंकर की होली चाहिए, किसी नवाब साहब की होली नहीं। ये मेरे सीहोर जिले पर कलंक है कि नवाब की होली हमें हिंदुओं में ना। वो नवाब साहब जिनके ऊपर जरा सा रंग चढ़ डल जाए तो लड़ाई हो जाए और वो होली खेलने आते थे, नहीं चाहिए ऐसी होली। वैसे तो पंडित प्रदीप मिश्रा सालों से अलग अलग स्थानों पर जाकर भक्तों को शिव पुराण कथा का श्रवण करवा रहे हैं, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा को असल पहचान कोरोना काल के उस दौर में सोशल मीडिया के माध्यम से मिली, जब पंडित मिश्रा के बताए जाने वाले उपाय लोगों के लिए कारगर साबित होने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ मंदिरों में बढ़ती भीड़ पंडित प्रदीप मिश्रा की सिद्धि का सत्य बनती चली गई। और इसी बीच सीहोर के समीप ही पंडित मिश्रा की विठलेश सेवा समिति ने कुबरेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जहां चंद समय में ही यह मंदिर विख्यात हो गया और यहां भी समय समय पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगी।
शिव मंदिर में जाएंगे तो ये शिवलिंग रखा है, ठीक है, ये जलाधारी है, ठीक है, ये माता का स्थान है कटिभाग, ये दो चरण है जहां से पानी नीचे आ रहा है। इस पानी के नीचे आने वाली जगह पर बीच में एक मोटी सी रकील होती है, करें दर्शन, ये अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। आज भी नियम है, जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो गए, कहीं मंगल है, कहीं राहु है, कहीं केतु है, कहीं कालसर्प दोष है, कहीं कुछ है, बच्चे बच्ची का विवाह नहीं हो रहा, बार बार देखने आते हैं पर विवाह पक्का नहीं होता, कुछ ना करिए, सावन के महीने में चंदन की 3 बिंदियां और उस अशोक सुंदरी के स्थान पर आप सावन के महीने में किसी भी दिन जाकर लगवा दीजिए और उसी 3 बिंदी में से थोड़ा थोड़ा सा चंदन जहां पर लड़का लड़की सोते हैं उस कमरे में लगवा दीजिए, 6 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता है। जो ब्याज बट्टे का काम करते हैं ना, उधारी पैसा दे देते हैं और पैसा नहीं आता, या दुकान पे से पैसा उधार देना है, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए अशोक सुंदरी का, बहुत अशोक सुंदरी का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, जो उधार पैसा दें या उधार सामान दें उसको अशोक सुंदरी का बड़ा स्मरण करना चाहिए, ध्यान रखें। अगर किसी को रुपया उधार भी दे रहे हैं तो अशोक सुंदरी के नाम की 1 लौंग, पैसा देने से पहले 1 लौंग अशोक सुंदरी के नाम की मुंह में रखकर खा लें और जिस व्यक्ति को पैसा उधार दे रहे हैं उससे बात करके फिर उधार पैसा दें, वो पैसा आपका वापिस आएगा, ये गारंटी है, उसके बाप को देना पड़ेगा, नहीं देगा तो अशोक सुंदरी उसको खींच के लाएगा पर पैसा आएगा, यह अशोक सुंदरी का प्रमाण है, प्रमाणिकता रहती है अशोक सुंदरी। वही धर्म और आस्था के प्रचार प्रसार का यह सिलसिला निरंतर जारी है, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा अपने उपायों से लोगों का दुख दर्द दूर करने के साथ ही धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, सीहोर।